तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, मैं विकास मेहरा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग विकास मेहरा ब्लॉग पे। सीरीज़ का आखिरी पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको मनाली के अंदर जो लोकल एक्टिविटीज़ होती है, एडवेंचर्स होते हैं, उनके बारे में बताऊँगा। और हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर लास्ट डे में, और इसके बाद हम लोग अमृतसर की ओर निकल गए थे। इस वीडियो को पूरा देखें, हालांकि ये छोटा वीडियो बनाया है मैंने इसके अंदर, लेकिन सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की है। आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, इसे देसी ढाबा भी कह सकते हैं आप। ये हमारे होटल के बहुत ही करीब था और हमारा होटल हडिम्बा देवी मंदिर के पास ही था। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में हमने चाय और ब्रेड पकौड़े लिए। ब्रेड पकौड़े हमें काफ़ी यम्मी लगे। आप भी कभी आइएगा तो ज़रूर एक बार यहाँ पर ब्रेड पकौड़े खा के देखिएगा। दिन की शुरुआत में सबसे पहले हम माता हडिम्बा देवी के मंदिर गए। हडिम्बा देवी बताया जाता है कि भीम की पत्नी हुआ करती थी। मनाली में इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। उसके साथ ही यहाँ पर एक पार्क है जो काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर कि हम झूला झूल सकते हैं, यहाँ पर फ्रूट जूस भी पी सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं, पिक्स निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करने के लिए है यहाँ पर। यहाँ पर रह करके बहुत ही शांति मिलती है, एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर याक के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उसका राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर रैबिट होते हैं, रैबिट के साथ में आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जिसका वो 10 रुपये 20 रुपये लिया करते हैं। इसके बाद हम भगवान मनु के टेंपल गए, जो मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ काफ़ी थक गए थे हम आते आते। कहा जाता है कि मनु भगवान भगवान ब्रह्मा जी ने पहले इंसान बनाए थे, जिन्होंने 7 जन्म यहीं पर ही लिए और 7 मृत्यु भी यहीं मनाली में ही हुई थी उनकी। मनाली के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। इसका एक चार्ट मैंने आपको प्रेजेंट किया है, आप इसके अंदर प्राइस देख सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। इसके बाद हम माल रोड की ओर गए। माल रोड पर हमने लोकल शॉप्स को एक्सप्लोर किया, वहाँ से कुछ परचेजिंग भी की छोटी मोटी। हालांकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें थी, जिनका प्राइस इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा था, इस वजह से ज़्यादा हमने यहाँ पर शॉपिंग करना सही नहीं समझा। उसके बाद एक मंदिर है माल रोड पे दुर्गा जी का, जो आप देख रहे हैं अभी, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह की मार्केट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है। उसके बाद हम निकल गए अपने अमृतसर के लिए, जहाँ रास्ते में हमने रोक करके रिवर राफ्टिंग की है।
अमृतसर के ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और मेरे चैनल पे जाकर आप अमृतसर की वीडियो देख सकते हैं अगर जिसको देखनी है तो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। गाइस फिर मिलेंगे फिर किसी वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।